बस फर्स्ट क्लास चाचा। आप कैसे हैं ऐसा अल्लाह का भाई। चाचा? आपा का सिक्स्थ वीडियो आ गया अपडेट। हाँ देखा बेटा, अभी देखा मैंने, आधे घंटे पहले ही देखा। जी। अभी मतलब आपा क्या समझाने की कोशिश कर रही है चाचा? आपा जो कहना चाह रही हैं वो खुद भी उनकी समझ में नहीं आ रहा है शायद, क्योंकि जब उन्होंने शुरू किया तो मुझे लगा कि शायद बोल नहीं पाएंगे, ओके और जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो ऐसी बेतरतीब बातें हैं कि भाई आप कह रही हैं कि भाई मैं आपके लिए रात दिन कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको इंसाफ दिलाऊं। किससे ओके इंसाफ दिला रही हैं भाई आप हमको? अच्छा हमारा पैसा आपके पास है, आप पैसा दे दीजिए, हाँ इंसाफ हो गया? बराबर है। तो आप बजाय पैसा देने के आप हमको खौफ ज़दा कर रही हैं कि मतलब भाई क्या चाचा आपा नहीं ये शो कर रही है कि गवर्नमेंट खिलाफ है, आपा देना चाहती है, गवर्नमेंट ने मना कर रही है, मत देने को बोल रही है। अरे भाई कोई भी खिलाफ नहीं है, हमारे खिलाफ जो है सिर्फ हम ये चाह रहे हैं कि आप हमारा पैसा हमको दे दो। एक्चुअली उसके लिए आप इतने बहानेबाजी कि भाई अभी सफाई हो रही है, अभी झाड़ू मारना बाकी है, अभी वो इंजीनियर से मैंने बात की है, वो डाटा फिर से स्टार्ट करना है और सब मॉल्स चालू हो जाएंगे, इंडिया के सारी वर्ल्ड के एक एक हिस्से में हमारा माल बिकेगा। अरे भाई वो सब आप करो, आपकी कंपनी, बराबर हम पैसा लोगों को सिर्फ पैसा दे दो हमारा। दे। चाचा चाचा और अभी तक आपा ने एक जी, स्टेटमेंट ये भी यूज किया कि जिन जिसको कंटिन्यू करना है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। अरे भाई जिसको कंटिन्यू करना है उनको कौन रोकता है? कोई रोक रहा है उनको? कोई नहीं नहीं रोक रहा है। नहीं रोक लेकिन जो लोग नहीं चाहते, जिनके हालात नहीं हैं, जो हार गए हैं जिंदगी से, हालात से और परेशानियों से, वो लोग आपसे आपका पैसा मांग रहे हैं। जो पैसा मांग रहे हैं आप उनके साथ दुश्मनी कर रहे हैं कि भाई तुमने पैसा मांगा तो ठीक है, तुमने मेरे खिलाफ आवाज उठाया तो अब मैं कोर्ट में देखती हूँ तुमको, ठीक है? तो अब वो, और फिर आप ये भी कह रही हैं कि मैं शुक्रगुजार हूँ ऐसे लोगों का जो लोग हीरा गोल्ड के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, आप हाँ उनको जवाब देते हैं। हाँ उनकी बराबर है। खुशियां मतलब कहीं ना कहीं ये बढ़ावा दे रहे हैं कि मतलब आपस में लड़ो। आप क्या दो लोगों को आपस में लड़ा के तमाशा देख रही हैं? हाँ हाँ आप और आपका खानदान बिल्कुल हाँ ऐश कर रहा है, लैविश लाइफ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आप लोगों को। हाँ एक्चुअली आप जेल से बाहर आए, आप इतनी तरोताजा है माशाल्लाह कि आपको देख के कोई बोलेगा नहीं। आपने ही बताया कि मैं 26 महीने जेल में रह के आई, ठीक है? हाँ आप बिल्कुल हशाश बशाश हैं। जो लोग बाहर हैं उनका तो हाल देखो, उनकी जिंदगी को देखो, बराबर आपको उनके ताल्लुक से क्या अफसोस है? बस इतना कह दिया आपने कि तुम लोग बहुत परेशान है, मैं समझती हूँ। अरे तुम्हारे इतने बोलने से हमारी परेशानी दूर नहीं होती दूर मेरी नहीं माँ, होती, दूर नहीं होती, हमारा हमारा पैसा दो क्या? बराबर। और तुम ये बार बार क्यों कहती हो कि मेरे पास डाटा नहीं है? जो लोग पैसा ले लिया वो भी क्लेम कर रहे हैं। अरे भाई जिसने कंप्लेंट किया, भले वो FIR किया हो या अटेस्टेड अटैच हो, हाँ हाँ तो उसने तमाम डॉक्यूमेंट्स पुलिस के हवाले किया कि कौन बराबर से सन में पैसा डाला, कौन सी बराबर बैंक से डाला, कौन से अकाउंट में तुम्हारे पास पैसा आया, फिर तुम्हारे ME के उसके ऊपर सिग्नेचर है, जो सर्टिफिकेट है उसके ऊपर, इतने तमाम डॉक्यूमेंट्स के बाद पुलिस ने सारा स्टेटमेंट लेने के बाद कंप्लेंट तैयार की है। तो वो बराबर कंप्लेंटर को तो पैसा दो बराबर। मतलब ऑलरेडी वेरीफाइड है वो, एक्चुअली मतलब इनके पुलिस ने तो पूरी इन्वेस्टिगेशन भाई, करके ही लिया होगा ना। पुलिस से ज्यादा आप हाँ वेरीफाई नहीं बराबर, कर नहीं सकते, कर सकते पुलिस ही। नहीं कर सकते। हाँ पुलिस ने तो सर्टिफाइड पुलिस कर ने दिया तो फिर इतनी ओके। जबरदस्त वेरिफिकेशन किया है कि क्या बताऊं, एक एक एप्लीकेशन की, एक एक कंप्लेंट की नौ नौ कॉपी बना के लिया उन्होंने, बराबर नौ नौ कॉपी क्या? और एक कंप्लेंटर जब बैठता है कंप्लेंट करने के लिए तो दो दो घंटे ऑफिसर के सामने सवाल जवाब होते हैं। बराबर इतना जबरदस्त आपके पास सब कुछ रिकॉर्ड है, आप कह रही हैं कि भाई मेरे पास डाटा नहीं है, ये नहीं। अरे भाई ये किसका काम है, ये किसका काम है भाई? डाटा आपने जब कंपनी चलाई, तो मैं पिछले वीडियो में भी ये बात बोला कि आपकी कंपनी अचानक बंद नहीं हुई, आप कह रही हैं कि एक FIR पे आपको उठा के ले गए, तो अरे भाई बराबर उसी वक्त जिस आदमी ने FIR किया उसके मुंह पे उसका पैसा मार देना था, बाहर आ जाना था, क्यों नहीं किया आपने ऐसा? चाचा। आज भी वैसा तो नवेरा शेख ने तो मतलब कहीं भी कोई भी कोर्ट में पैसा भी नहीं भरा चाचा। मतलब रिलीफ तो उसको पहले मिलना था आपा को। भाई देखो ऐसा है कि आपका सारा खानदान आज भी खामोश है, कल भी खामोश था, ठीक है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके सामने आते नहीं, ठीक है? आपके एमईज जिन्होंने पैसा लिया, जिन्होंने सर्टिफिकेट पर सिग्नेचर किया, वो सामने ही नहीं आते हाँ ना, आप उनको कभी गिनती में लाती हैं।
खातिर में नहीं लाते आप उनको कि भाई ये मेरे एमईज है, ये बैठे हुए थे, इन्होंने कमिटमेंट किया, इन्होंने मेरी पॉलिसीज बताई और आपसे पैसा लिया। बराबर हाँ, ये बार बार इन्वेस्टर से यही कहती है कि भाई नफा नुकसान नफा नुकसान। अरे भाई कंपनी थी तो बैलेंस शीट बता दो कहाँ नफा हुआ और कहाँ नुकसान हुआ। आपने जो भी कारोबार किया बताओ तो सही, मेरी बहन मेरी माँ, मेरी माँ कुछ तो बता दो कि कौन से कारोबार में आपको लॉस हो गया। मेरी और आपकी जब भी मुलाकात हुई आपने कहा कि चाचा सबसे कह दो सबका पैसा हिफाजत से है, मैंने उनके पैसों से जो तिजारत की है उसमें मेरे को आज भी नफा आ रहा है। बराबर सबसे कहो कि मेरे बाहर आने की देर है, मैं सबको पैसा दे दूंगी। ये आपके अल्फाज है, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के बोलता हूँ। आपने ये कहा मुझसे एक बार दो बार तीन बार जितनी बार मैं मिला आपने कहा मुझसे। बराबर फिर आप कह रही हैं कि भाई कंपनी को खड़ा करना है, अभी थोड़ा वक्त लगेगा। अचानक आपने 6 महीने वाली बात कर दी कि 5-6 महीने और लग सकते हैं। अरे भाई आप 5-6 महीने ऐसे बोल देती हो जैसे 5-6 घंटे। बराबर इन्वेस्टर मर रहा है, उसकी फैमिली क्या सफर कर रही है, आपको मालूम है कुछ? अच्छा, कोर्ट ने जो 42 डेज का टाइम दिया था तो जी, उसमें अरे क्या क्या मतलब क्या तो इनिशिएटिव लिया गया? भाई आपने जो चेक्स दिए वो सब जो है वो फ्रोजन अकाउंट के हैं, उनमें से किसी को भी मिला नहीं पैसा। ठीक है, तो फ्रोजन वो अकाउंट सारे के के सारे मतलब अकाउंट। वो दिए कैसे गए? मतलब पता था आपा को कि ये ऐसा इश्यू है फ्रोजन? हाँ वो जानती हैं, उन्होंने कहा भी तो पिछले वीडियो में, चौथे वीडियो में उन्होंने कहा कि मैं जितने भी चेक्स दे रही हूँ किसी को पैसा नहीं मिलेगा, ये सब चेक जमा होंगे, जब मेरे अकाउंट डिफ्रीज होंगे तब पैसा मिलेगा लोगों को। अच्छा तो जब आपके अकाउंट फ्रीज हैं तो हाँ आप चेक क्यों इश्यू कर रही हैं? हाँ वही बोल रहा हूँ ना, चेक आपको चेक इश्यू करने की क्या जरूरत इश्यू है? करने का आप मतलब ही सुप्रीम नहीं है, कोर्ट को, आप दिखाने की सुप्रीम कोर्ट कोशिश को कर रहे क्या, हैं। हाँ आप क्या बता रही हैं कि देखो भाई मेरी कौम के लोग इतने बुद्धू हैं, ये कल हाँ भी मेरी बातों में आ गए और आज भी मेरी बातों में आ गए। बराबर आज इनको मैंने एक ऐसा रद्दी कागज पकड़ा दिया जो कब कैश होगा मालूम नहीं, होगा कि नहीं होगा। बराबर। लेकिन लेकिन चाचा ऐसा भी हो सकता है कि मतलब किसी किसी ने मतलब चेक डाला होगा, चेक बाउंसिंग का केस भी आ जाएगा। मतलब कोर्ट ने परमिशन दिया है कि अकाउंट डिफ्रीज करेंगे। बेटा अकाउंट रिफ्रेश करने के लिए इनको खुद जद्दोजहद करनी थी, इन्होंने की नहीं अभी तक। अच्छा हाँ, अभी सारी जो बातें आज की इन्होंने, ये छठा जो वीडियो है, मैं बहुत गौर से इनको सुनता हूँ कि भाई शायद इनकी जबान मुबारक से अभी कोई ऐसी बात निकले कि इन्वेस्टर के जख्मों पे मैं मरहम लगाऊं और उनको समझाऊं कि भाई नवेरा शेख साहिबा आपकी फिक्रमंद है, आपकी सारी बातों में कोई ऐसी बात नहीं जिससे इन्वेस्टर को सुकून मिले, इन्वेस्टर के चाचा लिए चाचा बेचैनी। एक जी, एक एक थोड़ा सा रोकना चाहूंगा चाचा, अकाउंट में जो अमाउंट है वो क्या कितना अमाउंट है चाचा? देखो भाई मेरी नॉलेज के मुताबिक जो बात डिक्लेयर हुई थी वो 23 करोड़ रुपया और जो इन्वेस्टर को देना था वो कितना अमाउंट था टोटल कंप्लेंटर इन्वेस्टर जो कंप्लेंटर है उनको को? तो कुछ, हाँ जिनका FIR है उनका हाँ, कुछ 1 करोड़ 6 लाख रुपया कुछ हो रहा था। तो कोर्ट ने अटेस्टेड को भी इंक्लूड कर दिया था। हाँ इंक्लूड भाई, 19 तारीख तक जितने भी कंप्लेंटेंट है हाँ, सबको कोर्ट ने बोला कि भाई इन सबको तो आपको फुल एंड फाइनल करना है इन सबका। तो वो अमाउंट कितना था चाचा? भाई उसमें तो देखो सारे कंप्लेंटर्स का पैसा कितना है उसका फिगर अप्रोक्स अप्रोक्स अंदाजा। मनीष मनीष आवड़े साहब ने डाला था, कुछ हाँ 30 करोड़ के ऊपर था, तीस अच्छा करोड़ के अच्छा ऊपर बॉम्बे का। ठीक है, अच्छा फिर अच्छा थाना थाना बाकी है उसमें। ठीक हाँ है, हाँ 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 तो भाई आप पैसा देती नहीं किसी को, एक के भी अकाउंट में आपने कोई डाला नहीं सिवाय बोल बच्चन के, आप कुछ भी नहीं कर रहे। हाँ, आप मतलब बात करती हैं तो 3-4 मतलब जगह डिवाइड कर देती हैं कि भाई जो लोग हीरा गोल्ड की हीरा गोल्ड के खिलाफ जो लोग हाँ बोलते हैं उनसे वकालत करके हीरा गोल्ड को बचा रहे हैं, क्या मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ? ठीक है, जो सब्र कर रहे हैं मैं उनकी भी शुक्रगुजार हूँ, और जो लोग मर रहे हैं उनका क्या, जो लोग मर गए उनका क्या, बराबर। अच्छा, जो लोगों का मैं पैसा आता। ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ, अकाउंट में 25 करोड़ है अप्रोक्सली, और मतलब बाहर देना है कैसा भी, मतलब 30 करोड़ अगर बम्बई सिटी का पकड़े तो थाना का 30 करोड़, ऐसा 30-30 करोड़ चार पांच डिस्ट्रिक्ट चार पांच सिटी का पकड़े तो कैसा भी एक हो जाएगा, एक 300 करोड़। भाई देखो जब तक ये जेल में थी, जब हाँ तक
और जब तक मेरी मुलाकात हुई है मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के बोलता हूँ, कभी इन्होंने पैसे की मजबूरी नहीं बताई, बोले भाई पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या मैं छूटूंगी सबका पैसा दे दूंगी, अच्छा बस मेरे बाहर आने की देर है। इनकी वालदा से मेरी बात हुई, इनकी बहन से मेरी बात हुई, इनके हाँ भांजे से मेरी बात हुई, भांजे के वो जो क्या नाम है उसका, अब्दुल अजीज चित्तूर करके में भांजा है, हाँ हाँ चित्तूर में बात हुई थी ना। जी, अब्दुल अजीज का जो भांजा है, नाम अभी याद आ जाएगा मैं बता देता हूँ। तो जब उससे मेरी बात हुई तो हमेशा यही कहा कि भाई पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आपा के बाहर आने की देर। आप आएगी पैसा दे देगी, यही स्टेटमेंट था हाँ पूरे 2-1.5 साल तो यही स्टेटमेंट चला। ठीक है भाई, जब इनके गोल्ड के शोरूम में अली भाई से मेरी बात हुई, अली भाई हाँ जिनको इन्होंने बोला था कि चाचा को बुला के चाचा को सोना दे दो, हाँ ठीक है, तो हाँ अली भाई से जब मेरी बात हुई मैं बोला कि भाई तुम मुझे बुला रहे हो तो उन तमाम लोगों को बुला लो ना जिनको, बराबर जो लोग लाइन में खड़े हैं। बराबर तो उन्होंने मुझसे कहा कि चाचा आपा की नीयत खराब नहीं है, हम सबको देना चाहते हैं लेकिन आपा की गैर मौजूदगी में हम मैरिज नहीं कर पाएंगे इतने बड़े मजमे को, बराबर इसलिए आपा का इंतजार है। ठीक है भाई, उसके बाद ईओडब्ल्यू वालों ने जब रेड की इनके शोरूम्स पे, तो उन्होंने गोल्ड को कॉन्फिस्केट नहीं किया, तो सारा गोल्ड इनके पास है। हाँ। हाँ तो भाई बांटो, खत्म करो ना लोगों को। चाचा जब भी मैं जितनी बार नवरापा से मिला, नवरापा से मुलाकात की बात की, तभी नवरापा से मैंने क्लियर एक स्टेटमेंट पूछता था। हमेशा मेरा ये आदत होता था, मैं नवरापा से जी पूछता था कि चाचा आपा ये जो कंप्लेनर किए उनसे आप नाराज हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हो। तो आपा हमेशा ये बोलते थे कि जो कंप्लेंट किए वो भी मेरा ही है, जो नॉन कंप्लेनर है वो भी मेरा ही है। लेकिन अभी जब ये जो बिल्कुल 5वां 6वां वीडियो आ रहा है, ये वीडियो में ऐसा लग रहा है कि आपा कहीं ना कहीं मतलब उन लोग को ये कर रही है, मतलब चिड़ रही है ये सब चीजों से और वो नाराज। असल में क्या है, हाँ इनके अतराफ में जो लोग हैं ना भाई, हाँ 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 जो बोटी के लिए बकरा हलाल करते हाँ हैं, हाँ 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 ऐसे लोगों का एक मजमा इनके अतराफ में है क्या, हाँ हाँ तो वहां आपा काबिलियत नहीं दिख रही है कि भाई इसने कितना सफर किया है, कितना बर्दाश्त किया है, उनके क्या हालात थे, क्यों उसने कंप्लेंट किया, क्या आपा ये बात को एडमिट नहीं कर रही कि मेरी तरफ से लीगल टीम का या फिर एमईस का या किसी भी तरह का मेरे खानदान का कोई भी फर्द खड़े रह के मेरी तरफ से जवाब नहीं दिया। हाँ ये तमाम लोग जो थे ये सोशल मीडिया के हाथ में खिलौना बन गए, बराबर बराबर, वीडियो देख देख के हर आदमी पागल हो जाता हर कोई था। हाँ ऑथराइज पर्सन बन गया था। हाँ तो मैं अभी पिछले वीडियोस में भी बोला कि भाई आपको तो इनसे माजरत करनी चाहिए कि भाई मेरी वजह से क्या मैंने जो तरीका कार अपनाया वो तरीका मेरा जो था फेल हो गया, इस वजह से आपको ये परेशानी हुई। अब वो तमाम चीजें, आपने क्रिकेट ऑर्गेनाइज किया, आपने वो बिटकॉइन में पैसा डाला या जो भी किया, हमको कुछ भी नहीं लेना भाई, आपका एक्चुअली तरीका था, एक्चुअली आपने किया, आपने इतनी सारी प्रॉपर्टीज बनाई, आपने अपने खानदान के एक एक फर्द को जमीन के दलदल से उठा के आसमान की ऊंचाई पे पहुंचा दिया। हाँ बराबर बराबर और हजारों घर उजाड़ के एक एक आदमी का घर आपने बनाया, आपने 1,000 इन्वेस्टर के घर उजाड़े और अपने रिश्तेदार का एक महल तैयार किया। बराबर है। आज वो इन्वेस्टर अगर आपके सामने गुहार लगा रहा है, आपको पुकार रहा है कि मैडम प्लीज प्लीज हमारा पैसा दे दीजिए, तो आपको तो खुलूस से पूरी मतलब इंसानियत के साथ उसे कहना चाहिए कि भाई मैं माजरत भी चाहती हूँ, ये तुम्हारा पैसा है, इस तरह से मैं देती हूँ, क्या बराबर ले जाओ भाई तुम्हारा पैसा, इतने दिन देर हो गई तो माफी तलाफी कर लो, बात खत्म होगी भाई। तो उसके बजाय उसको धमकी दो कि भाई चाचा कोर्ट कंप्लेनर, में देखती हूँ। हाँ जी कंप्लेनर ही इतना परेशान है, नॉन कंप्लेनर का क्या होगा। वो नॉन कंप्लेंट लगा तो कहा ना ये वीडियो में उन्होंने कि जैसा ही मेरे हाथ में डाटा आएगा और हाँ मेरा सिस्टम चालू होएगा तो हाँ सबसे पहले मैं नॉन कंप्लेंटर को पैसा दूंगी। अरे वाह। हाँ अच्छा यहाँ देखो इंसाफ देखो इनका, हाँ वही वही मतलब वही जो वही आदमी ने परेशानी के आलम में कंप्लेंट किया तो बोले क्यों कंप्लेंट किया। हाँ और समझ। ये कहती है कि भाई मुझे मेरी चालू कंपनी में से उठा के ले गया, अरे चालू कंपनी से किसने उठवाया आपको, आपका पुराना दुश्मन शहबाज खान जिसे आपकी पुरानी दुश्मनी, जो आपके पीछे आज भी पड़ा हुआ है, आप उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती, आप कहती हैं कि मैं इन्वेस्टर के खिलाफ कार्रवाई करूंगी, शाहबाज के खिलाफ क्यों नहीं करते आप, शाहबाज से ऐसी क्या साठगांठ है आपकी।
कि शाहबाज आपकी फैमिली के बारे में कुछ नहीं बोलता, हाँ शाहबाज आपके हर काम को आसान कर देता है, कि वो कहाँ से देगी, उसके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। वो इन्वेस्टर को पहले ही समझा देता है कि आपके पास कुछ नहीं है, जबकि आपके पास तो आप रिजर्व बैंक है, आप रिजर्व बैंक है नगर शेख। बराबर बराबर आपने कहा आपकी जबान से कि मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं, मेरे पास सोना है, मेरे पास इतना माल पड़ा हुआ है, तुमने सब बताया। शाबाश को तुमने हमेशा सहूलत दी। मगर चाचा अभी मेरे को एक चीज ये बताइए, इन केस ये 42 डेज क्रॉस हो जाते हैं, उसके बाद में क्या क्या होगा? मतलब देखो आपका भाई, प्लान ये प्लान ए तो समझ में आ गया, प्लान बी क्या है? प्लान बी इनका ये है ना कि ये कह रही है कि भाई मैं सुप्रीम कोर्ट से मुझे ये हुक्म मिला है कि तुम अपनी कंपनी चलाओ, जो लोग तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं उनको भी लेके चलो, क्या? लेकिन ये नहीं कह रही कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि भाई ये 6 हफ्तों में 19 तारीख तक, टिल डेट, जिस दिन आपकी जमानत हुई उस दिन तक के जो तमाम कंप्लेंट है उनका पैसा तुम दे दो, फुल एंड फाइनल, ठीक बराबर बराबर है? तुमने वो चेक दे दिए जो कैश नहीं हो रहे, बराबर। और फिर जो अटेस्टेड कंप्लेंटेंट है उनके बारे में तुम बात नहीं कर रही हो, और बात करती हो तो कहती हो कि भाई मैं उनको कोर्ट में देखती हूँ। अरे भाई हेलो 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 हेलो, कोर्ट में तो हम एडमिट, हेलो, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, हमारे कंप्लेंट्स में हमारी सारी डिटेल है कि हमने पैसा कैसे दिया, कौन से अकाउंट से दिया, आपके कौन से अकाउंट में पैसा गया, उस वक्त बराबर आपका एमी कौन था, ये बराबर सारी चीजें हैं। आपके एमी अभी मरे नहीं, सब जिंदा सलामत है अल्हम्दुलिल्लाह, पूछो उनसे। अरे मीरा रोड के ऑफिस में आप अपने जितने एमीज हैं क्या उनसे, और जितने चाचा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुह। जी करीम भाई, कैसे हैं आप? बस फर्स्ट क्लास चाचा, आप कैसे? एहसान अल्लाह का भाई। चाचा आपका 6th वीडियो आ गया अपडेट। हाँ देखा बेटा, अभी देखा मैंने, आधे घंटे पहले ही देखा। जी, अभी मतलब आपा क्या समझाने की कोशिश कर रही है चाचा? आपा जो कहना चाह रही हैं वो खुद भी उनकी समझ में नहीं आ रहा है शायद, क्योंकि जब उन्होंने शुरू किया तो मुझे लगा कि शायद बोल नहीं पाएंगे, और जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो ऐसी बेतरतीब बातें कि भाई आप कह रही हैं कि भाई मैं आपके लिए रात दिन कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको इंसाफ दिलाऊं। किससे इंसाफ दिला रही हैं भाई आप हमको? हमारा पैसा आपके पास है, आप पैसा दे दीजिए, हाँ, इंसाफ हो गया। बराबर है। तो आप बजाय पैसा देने के आप हमको खौफ ज़दा कर रही हैं कि मतलब भाई चाचा आपा ये शो कर रही है कि गवर्नमेंट खिलाफ है, आपा देना चाहती है, गवर्नमेंट ने मना कर रही है, मत देने को बोल रही है। अरे भाई कोई भी खिलाफ नहीं है, हमारे खिलाफ जो है सिर्फ हम ये चाह रहे हैं कि आप हमारा पैसा हमको दे दो। एक्चुअली उसके लिए आप इतने बहानेबाजी कि भाई अभी सफाई हो रही है, अभी झाड़ू मारना बाकी है, अभी वो इंजीनियर से मैंने बात की है, वो डाटा फिर से स्टार्ट करना है, और सब मॉल्स चालू हो जाएंगे इंडिया के, सारी वर्ल्ड के एक एक हिस्से में हमारा माल बिकेगा। अरे भाई वो सब आप करो, आपकी कंपनी, बराबर है, हम लोगों को सिर्फ पैसा दे दो हमारा। पैसा दे। चाचा, और अभी तक आपा ने एक जी, स्टेटमेंट ये भी यूज किया कि जिस जिसको कंटिन्यू करना है वो कंटिन्यू कर सकते हैं कुछ। अरे भाई जिसको कंटिन्यू करना उनको कौन रोकता है? कोई रोक रहा है उनको? कोई नहीं नहीं रोक रहा है। नहीं लेकिन जो लोग नहीं चाहते, जिनके हालात नहीं हैं, जो हार गए हैं जिंदगी से, हालात से और परेशानियों से, वो लोग आपसे आपका पैसा मांग रहे हैं। जो पैसा मांग रहे हैं आप उनके साथ दुश्मनी कर रहे हैं कि भाई तुमने पैसा मांगा तो ठीक है, तुमने मेरे खिलाफ आवाज उठाया तो अब मैं कोर्ट में देखती हूँ तुमको, ठीक है? तो अब वो, और फिर आप ये भी कह रही हैं कि मैं शुक्रगुजार हूँ ऐसे लोगों का जो लोग मीरा गोल्ड के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, आप हाँ उनको जवाब देते हैं। हाँ भाई शुक्र बराबर है। करें, मतलब कहीं ना कहीं ये बढ़ावा दे रहे हैं कि मतलब आपस में लड़ो। आप क्या दो लोगों को आपस में लड़ा के तमाशा देख रही हैं? हाँ आप और आपका खानदान बिल्कुल हाँ, ऐश कर रहे हैं, लेविश लाइफ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आप लोगों को। एक्चुअली हाँ आप जेल से बाहर आई, आप इतनी तरोताजा हैं माशाल्लाह कि आपको देख के कोई बोलेगा नहीं। आपने ही बताया कि मैं 26 महीने जेल में रह के आई, ठीक है? आप बिल्कुल हशाश बशाश हैं,
जो लोग बाहर हैं उनका तो हाल देखो, उनकी जिंदगी को देखो, बराबर आपको उनके ताल्लुक से क्या अफसोस है? बस इतना कह दिया आपने कि तुम लोग बहुत परेशान है, मैं समझती हूँ। अरे तुम्हारे इतने बोलने से हमारी परेशानी दूर नहीं होती मेरी माँ, हमारा हमारा पैसा दो। और तुम ये बार बार क्यों कहती हो कि मेरे पास डाटा नहीं है, जो लोग पैसा ले लिया वो भी क्लेम कर रहे हैं। अरे भाई जिसने कंप्लेंट किया, भले वो FIR किया हो या अटेस्टेड हो, हाँ, तो उसने तमाम डॉक्यूमेंट्स पुलिस के हवाले किया कि कौन से सन में पैसा डाला, कौन सी बैंक से डाला, कौन से अकाउंट में तुम्हारे पास पैसा आया, फिर तुम्हारे ME के उसके ऊपर सिग्नेचर है, जो सर्टिफिकेट है उसके ऊपर। इतने तमाम डॉक्यूमेंट्स के बाद पुलिस ने सारा स्टेटमेंट लेने के बाद कंप्लेंट तैयार किए, तो वो कंप्लेंटर को तो पैसा दो। बराबर, मतलब ऑलरेडी वेरीफाइड है वो एक्चुअली, मतलब इनके पुलिस ने तो पूरी इन्वेस्टिगेशन करके ही लिया होगा ना। पुलिस से ज्यादा आप वेरीफाई नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, पुलिस ही नहीं कर सकते। हाँ, पुलिस ने सर्टिफाइड कर दिया तो फिर वो जबरदस्त वेरिफिकेशन किया है कि क्या बताऊं, एक एक एप्लीकेशन की, एक एक कंप्लेंट की 9-9 कॉपी बना के लिया उन्होंने। बराबर, 9-9 कॉपी। और एक कंप्लेंटर जब बैठता है कंप्लेंट करने के लिए तो 2-2 घंटे ऑफिसर के सामने सवाल जवाब होते हैं। बराबर, इतना जबरदस्त आपके पास सब कुछ रिकॉर्ड है, आप कह रही हैं कि भाई मेरे पास डाटा नहीं है, ये नहीं। अरे भाई ये किसका काम है, ये किसका काम है भाई? डाटा आपने जब कंपनी चलाई, तो मैं पिछले वीडियो में भी ये बात बोला कि आपकी कंपनी अचानक बंद नहीं हुई, आप कह रही हैं कि FIR पे आपको उठा के ले गए, तो अरे भाई उसी वक्त जिस आदमी ने FIR किया उसके मुंह पे उसका पैसा मार देना था, बाहर आ जाना था, क्यों नहीं किया आपने ऐसा? चाचा वैसा तो नवेरा शेख ने तो मतलब कहीं भी कोई भी कोर्ट में पैसा भी नहीं भरा चाचा, मतलब रिलीफ तो उसको पहले मिलना था पापा को। भाई देखो ऐसा है कि आपका सारा खानदान आज भी खामोश है, कल भी खामोश था, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके सामने आते नहीं, ठीक है, आपके MEs जिन्होंने पैसा लिया, जिन्होंने सर्टिफिकेट पे सिग्नेचर किया, वो सामने ही नहीं आते ना, आप उनको कभी गिनती में लाती हैं, खातिर में नहीं लाती आप उनको कि भाई ये मेरे MEs है, ये बैठे हुए थे, इन्होंने कमिटमेंट किया, इन्होंने मेरी पॉलिसीज बताई और आपसे पैसा लिया। बराबर, ये बार बार इन्वेस्टर्स यही कहती है कि भाई नफा नुकसान, नफा नुकसान। अरे भाई कंपनी थी तो बैलेंस शीट बता दो, कहाँ नफा हुआ और कहाँ नुकसान हुआ, आपने जो भी कारोबार किया बताओ तो सही। मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी माँ कुछ तो बता दो कि कौन से कारोबार में आपको लॉस हो गया। मेरी और आपकी जब भी मुलाकात हुई आपने कहा कि चाचा सबसे कह दो सबका पैसा हिफाजत से है, मैंने उनके पैसों से जो तिजारत की है उसमें मेरे को आज भी नफा आ रहा है। बराबर, सबसे कहो कि मेरे बाहर आने की देर है, मैं सबको पैसा दे दूंगी, ये आपके अल्फाज है, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के बोलता हूँ। आपने ये कहा मुझसे एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार मैं मिला आपने कहा मुझसे। बराबर, फिर आप अभी आप कह रही हैं कि भाई कंपनी को खड़ा करना है, अभी थोड़ा वक्त लगेगा, अचानक आपने 6 महीने वाली बात कर दी कि 5-6 महीने और लग सकते हैं। अरे भाई आप 5-6 महीने ऐसे बोल देती हो जैसे 5-6 घंटे हैं। बराबर, इन्वेस्टर मर रहा है, उसकी फैमिली क्या सफर कर रही है, आपको मालूम है कुछ? अच्छा, कोर्ट ने जो 42 डेज का टाइम दिया था तो उसमें क्या क्या मतलब क्या तो इनिशिएटिव लिया गया? अरे भाई आपने जो चेक्स दिए वो सब जो है वो फ्रोजन अकाउंट के हैं, उनमें से किसी को भी मिला नहीं पैसा, ठीक है, तो फ्रोजन अकाउंट के मतलब वो दिए कैसे गए, मतलब पता था आपा को कि ये ऐसा इशू है? हाँ वो जानती हैं, उन्होंने कहा भी तो पिछले वीडियो में, चौथे वीडियो में उन्होंने कहा कि मैं जितने भी चेक्स दे रही हूँ किसी को पैसा नहीं मिलेगा, ये सब चेक जमा होंगे, जब मेरे अकाउंट डी फ्रीज होंगे तब पैसा मिलेगा लोगों को। अच्छा, तो जब आपके अकाउंट फ्रीज हैं तो आप चेक क्यों इशू कर रही हैं? हाँ वही बोल रहा हूँ ना, आपको चेक इशू करने की क्या जरूरत है? इशू करने का मतलब ही नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट को क्या, हाँ आप क्या बता रही हैं कि देखो भाई मेरी कौम के लोग इतने बुद्धू है, ये कल भी मेरी बातों में आ गए और आज भी मेरी बातों में आ गए। बराबर, आज इनको मैंने एक ऐसा रद्दी कागज पकड़ा दिया जो कब कैश होगा मालूम नहीं, होगा कि नहीं होगा। बराबर, लेकिन लेकिन चाचा ऐसा भी हो सकता है कि मतलब किसी किसी ने मतलब चेक डाला होगा, चेक बाउंसिंग का केस भी आ जाएगा, मतलब कोर्ट ने परमिशन दिया है कि अकाउंट डिफ्रीज करेंगे। बेटा अकाउंट डिफ्रीज करने के लिए इनको खुद जद्दोजहद करनी थी, इन्होंने की नहीं अभी तक। अच्छा, अब ये सारी जो बातें आज की इन्होंने, ये छठा जो वीडियो है
मैं बहुत गौर से इनको सुनता हूँ कि भाई शायद इनकी जबाने मुबारक से अभी कोई ऐसी बात निकले कि इन्वेस्टर के जख्मों पे मैं मरहम लगाऊं और उनको समझाऊं कि भाई नवेरा शेख साहिबा आपकी फिक्रमंद है, आपकी सारी बातों में कोई ऐसी बात नहीं जिससे इन्वेस्टर को सुकून मिले, इन्वेस्टर के लिए बेचैनी। चाचा एक, 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 एक थोड़ा सा रोकना चाहूंगा चाचा, अकाउंट में जो अमाउंट है वो क्या कितना अमाउंट है चाचा? देखो भाई मेरी नॉलेज के मुताबिक जो बात डिक्लेयर हुई थी वो 23 करोड़ रुपया, और जो इन्वेस्टर को देना था वो कितना अमाउंट था टोटल? इन्वेस्टर जो कंप्लेंटर है कंप्लेंटर उनको तो कुछ, हाँ जिनका FIR है हाँ, उनका कुछ 1 करोड़ 6 लाख रुपया कुछ हो रहा था। तो कोर्ट ने अटेस्टेड को भी इंक्लूड कर दिया था? हाँ इंक्लूड भाई, 19 तारीख तक जितने हाँ भी कंप्लेंटेंट है हाँ सबको कोर्ट ने बोला कि भाई इन सबको तो आपको फुल एंड फाइनल करना है इन सबका। तो वो अमाउंट कितना था चाचा? भाई उसमें तो देखो सारे कंप्लेंटर्स का पैसा कितना है उसका फिगर अप्रोक्स अप्रोक्स अंदाजा? मनीष मनीष आवड़े साहब ने डाला था कुछ हाँ 30 करोड़ के ऊपर था, तीस अच्छा करोड़ के ऊपर बॉम्बे का, ठीक अच्छा है। अच्छा अच्छा फिर थाना थाना बाकी है उसमें, ठीक हाँ हाँ है। हाँ हाँ तो भाई आप पैसा देती नहीं किसी को, एक के भी अकाउंट में आपने कोई डाला नहीं सिवाय बोल बच्चन के, आप कुछ भी नहीं कर रहे। हाँ आप बात मतलब करती हैं तो 3-4 मतलब जगह डिवाइड कर देती हैं कि भाई जो लोग हीरा गोल्ड के खिलाफ जो लोग हाँ बोलते हैं उनसे वकालत करके हीरा गोल्ड को बचा रहे हैं, क्या मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ? ठीक है, जो सबर कर रहे हैं मैं उनकी भी शुक्रगुजार हूँ, और जो लोग मर रहे हैं उनका क्या, जो लोग मर गए उनका क्या, बराबर। जो अच्छा लोगों का पैसा मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ, अकाउंट में 25 करोड़ है अप्रोक्सली, और मतलब बाहर देना है कैसा भी, मतलब 30 करोड़ अगर बम्बई सिटी का पकड़े तो थाना का 30 करोड़, ऐसा 30-30 करोड़ चार पांच डिस्ट्रिक्ट चार पांच सिटी का पकड़े तो कैसा भी जी एक हो जाएगा, 300 करोड़। भाई देखो जब तक ये जेल में थी जब हाँ तक और हाँ जब तक मेरी मुलाकात हुई है, हाँ मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के बोलता हूँ हाँ कभी इन्होंने पैसे की मजबूरी नहीं बताई, बोले भाई पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है हाँ क्या, हाँ मैं छूटूंगी सबका पैसा दे दूंगी अच्छा बस मेरे बाहर आने की देर है। इनकी वालदा से मेरी बात हुई, इनकी बहन से मेरी बात हुई, इनके हाँ भांजे से मेरी बात हुई, भांजे के वो जो क्या नाम है उसका अब्दुल अजीज का चित्तूर जो में भांजा है, हाँ हाँ चित्तूर में बात हुई थी ना? जी अब्दुल अजीज का जो भांजा है, नाम अभी याद आ जाएगा मैं बता देता हूँ। तो जब उससे मेरी बात हुई तो हमेशा यही कहा कि भाई पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आपा के आप बाहर आने की आएगी, देर। हाँ आप आएगी पैसा दे देगी, यही स्टेटमेंट था हाँ पूरे 2-1.5 साल तो यही स्टेटमेंट चला। ठीक है भाई, जब इनके गोल्ड के शोरूम में अली भाई से मेरी बात हुई, अली भाई हाँ जिनको इन्होंने बोला था कि चाचा को बुला के चाचा को सोना दे दो, ठीक हाँ है। तो हाँ अली भाई से जब मेरी बात हुई मैं बोला कि भाई तुम मुझे बुला रहे हो तो उन तमाम लोगों को बुला लो ना जिनको बराबर जो लोग लाइन में खड़े हैं। बराबर तो उन्होंने मुझसे कहा कि चाचा आपा की नीयत खराब नहीं है, हम सबको देना चाहते हैं लेकिन आपा की गैर मौजूदगी में हम मैरिज नहीं कर पाएंगे इतने बड़े मजमे को, बराबर। इसलिए आपा का इंतजार है, ठीक है भाई। उसके बाद EOW वालों ने जब रेड की इनके शोरूम्स पे तो उन्होंने गोल्ड को कॉन्फिस्केट नहीं किया, वो सारा गोल्ड इनके पास है। हाँ तो भाई बांटो खत्म करो ना लोगों को। चाचा जब भी मैं जितनी बार नवेरा आपा से मिला, नवेरा आपा से मुलाकात की बात की, तभी नवेरा आपा से मैंने क्लियर एक स्टेटमेंट पूछता था हमेशा, मेरा ये आदत होता था, मैं नवेरा आपा से जी पूछता था कि चाचा आपा ये जो कंप्लेनर की है उनसे आप नाराज हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हो? तो आपा हमेशा ये बोलते थे कि जो कंप्लेंट की है वो भी मेरा ही है, जो नॉन कंप्लेनर है वो भी मेरा ही है। लेकिन अभी जब ये जो बिल्कुल पांचवा छठा वीडियो आ रहा है, ये वीडियो में ऐसा लग रहा है कि आपा कहीं ना कहीं मतलब उन लोग को ये कर रही है, मतलब चिढ़ रही है ये सब चीजों से और वो नाराज। असल में क्या है, हाँ इनके अतराफ में जो लोग हैं ना भाई हाँ 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 जो बोटी के लिए बकरा हलाल करते हैं, हाँ 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 ऐसे लोगों का एक मजमा इनके अतराफ में है क्या, हाँ हाँ तो वहां आपा काबिलियत नहीं दिख रही है कि भाई इसने कितना सफर किया है, कितना बर्दाश्त किया है, उनके क्या हालात थे, क्यों उसने कंप्लेंट किया, क्या आपा ये बात को एडमिट नहीं करेगी कि मेरी तरफ से लीगल टीम का या फिर एमईस का या किसी भी तरह का मेरे खानदान का कोई भी फर्द खड़े रह के मेरी तरफ से जवाब नहीं दिया। हाँ ये तमाम लोग जो थे ये सोशल मीडिया के हाथ में खिलौना बन गए थे, बराबर है
बराबर, वीडियो देख देख के यार आदमी पागल हो जाता था। हर कोई हाँ ऑथराइज पर्सन बन गया था। हाँ तो मैं अभी पिछले वीडियोस में भी बोला कि भाई आपको तो इनसे माजरत करनी चाहिए कि भाई मेरी वजह से क्या मैंने जो तरीका कार अपनाया वो तरीका मेरा जो था फेल हो गया, इस वजह से आपको ये परेशानी हुई। अब वो तमाम चीजें आपने क्रिकेट ऑर्गेनाइज किया, आपने वो बिटकॉइन में पैसा डाला या जो भी किया, हमको कुछ भी नहीं लेना भाई, आपका एक्चुअली तरीका था, एक्चुअली आपने किया, आपने इतनी सारी प्रॉपर्टीज बनाई, आपने अपने खानदान के एक एक फर्द को जमीन के दलदल से उठा के आसमान की ऊंचाई पे पहुंचा दिया। हाँ, बराबर और बराबर। हजारों घर उजाड़ के एक एक आदमी का घर आपने बनाया, आपने 1,000 इन्वेस्टर के घर उजाड़े और अपने रिश्तेदार का एक महल तैयार किया। बराबर है। आज वो इन्वेस्टर अगर आपके सामने गुहार लगा रहा है, आपको पुकार रहा है कि मैडम प्लीज प्लीज हमारा पैसा दे दीजिए, तो आपको तो फुलूस से पूरी मतलब इंसानियत के साथ उसे कहना चाहिए कि भाई मैं माजरत भी चाहती हूँ, ये तुम्हारा पैसा है, इस तरह से मैं देती हूँ, क्या बराबर ले जाओ भाई तुम्हारा पैसा, इतने दिन देर हो गई तो माफी तलाफी कर लो, बात खत्म होगी भाई। तो उसके बजाय उसको धमकी दो कि भाई चाचा, कोर्ट कंप्लेनर, में देखती हूँ। हाँ जी, कंप्लेनर ही इतना परेशान है, नॉन कंप्लेनर का क्या होगा? वो नॉन कंप्लेंट का तो कहा ना ये वीडियो में उन्होंने कि जैसा ही मेरे हाथ में डाटा आएगा और हाँ मेरा सिस्टम चालू होएगा तो हाँ सबसे पहले मैं नॉन कंप्लेंटर को पैसा दूंगी। अरे वाह। हाँ, अच्छा यहाँ देखो इंसाफ देखो इनका, हाँ वही वही मतलब वही जो वही आदमी ने परेशानी के आलम में कंप्लेंट किया तो बोले क्यों कंप्लेंट किया। हाँ, और सवाल। ये कहती है कि भाई मुझे मेरी चालू कंपनी में से उठा के ले गया। अरे चालू कंपनी से किसने उठवाया आपको? आपका पुराना दुश्मन शहबाज खान, जिसे आपकी पुरानी दुश्मनी, जो आपके पीछे आज भी पड़ा हुआ है, आप उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। आप कहती हैं कि मैं इन्वेस्टर के खिलाफ कार्रवाई करूंगी, शाहबाज के खिलाफ क्यों नहीं करते आप? शाहबाज से ऐसी क्या साठगांठ है आपकी कि शाहबाज आपकी फैमिली के बारे में कुछ नहीं बोलता? हाँ, शाहबाज आपके हर काम को आसान कर देता है कि वो कहां से देगी, उसके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। वो इन्वेस्टर को पहले ही समझा देता है कि आपके पास कुछ नहीं है, जबकि आपके पास तो आप रिजर्व बैंक है, आप रिजर्व बैंक है ना मेरा शेख। बराबर बराबर। अच्छा आपने कहा आपकी जबान से कि मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं, मेरे पास सोना है, मेरे पास इतना माल पड़ा हुआ है, तुमने सब बताया। शाबाश को तुमने हमेशा सहूलत दी। मगर हाँ, चाचा अभी मेरे को एक चीज ये बताइए, इन केस ये 42 डेज क्रॉस हो जाते हैं, उसके बाद में क्या क्या होगा? मतलब आपका देखो भाई प्लान ये कह प्लान ए तो ये समझ में आ कह गया, प्लान बी क्या है? प्लान बी इनका ये है ना कि ये कह रही है कि भाई मैं सुप्रीम कोर्ट से मुझे ये हुक्म मिला है कि तुम अपनी कंपनी चलाओ, जो लोग तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं उनको भी लेके चलो, क्या? लेकिन ये नहीं कह रही कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि भाई ये 6 हफ्तों में 19 तारीख तक, टिल डेट, जिस दिन आपकी जमानत हुई उस दिन तक के जो तमाम कंप्लेंटर्स हैं उनका पैसा तुम दे दो फुल एंड फाइनल। बराबर बराबर। ठीक है, तुमने वो चेक दे दिए जो कैश नहीं हो रहे, बराबर, और फिर जो अटेस्टेड कंप्लेंटेंट है उनके बारे में तुम बात नहीं कर रही हो, और बात करती हो तो कहती हो कि भाई मैं उनको कोर्ट में देखती हूँ। अरे भाई कोर्ट हेलो 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 हेलो। में तो हम एडमिट, हेलो, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, हमारे कंप्लेंट्स में हमारी सारी डिटेल है कि हमने पैसा कैसे दिया, कौन से अकाउंट से दिया, आपके कौन से अकाउंट में पैसा गया, उस वक्त बराबर आपका एमई कौन था, ये बराबर। सारी चीजें हैं। आपके एमई अभी मरे नहीं, सब जिंदा सलामत है अल्हम्दुलिल्लाह, पूछो उनसे। अरे मीरा रोड के ऑफिस में आप अपने जितने एमईज हैं क्या उनसे, और जितने बाउंसर आपने खड़ा किए थे उनसे, और तमाम स्टाफ से पूछोगे हमारे बारे में तो सब बताएंगे कि ये आदमी ने कितना कॉपरेट किया आपके साथ। आप खुद अच्छा जानती है मैंने आपके साथ कितना कॉपरेट किया। आज आपको सबूत चाहिए, आज आपको दुश्मन लगते हैं हम लोग, आज आप उनके लिए सॉरी फील करती हैं क्या, जो लोग मतलब सिर्फ झूठ बोला जिन्होंने, और आपकी बातों में जिन्होंने हामी भरी, और जिन्होंने अपना हक मांगा, अपनी परेशानी आपके सामने रखी या बताने की कोशिश की,
आप उनको हकारत से देखती हैं, नफरत करती हैं आप उनसे। लेकिन अभी कोर्ट तो पूछेगा ही ना चाचा कि आपने पेमेंट क्यों नहीं किया। अब ये भाई देखो, मैं अल्लाह से 100 दफा माफी चाहता हूँ इस बात के लिए। इन पे MPID लगा हुआ था, पुलिस खुद कहती थी कि भाई जब तक ये पैसा देगी नहीं लोगों का, छूटेगी ये जेल से बाहर नहीं जाएगी। ठीक बराबर। है भाई, फिर हाँ भी इन्होंने अपने तरीके कार से, अपने रसूख से जमानत ले ली। जमानत भी ऐसी कि 1 महीने के बाद इन्होंने SFIO में वो 6 करोड़ रुपया जो भरा, अभी उस दिन जो शहबाज ने गवाही दी। हाँ भाई, शहबाज ने गवाही दी और साथ में ये भी बता दिया कि भाई आफ्या प्लाजा में जो रेड हुई थी ED की, तो ED वाले मुझे सिर्फ ये पूछने के लिए लेके गए थे कि भाई आपने वो जो प्रॉपर्टी है वो किससे खरीदी। बराबर। सारा हवाला दिया कि देखो ये बैंक के थ्रू लिया था, बैंक को पेमेंट दिया था, ये किया था। उन्होंने मेरे को क्लीन चिट दे दी। नवेरा के पास क्लीन चिट किधर है? बोले उसकी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट हुई। मैं तो बोले देखो आज भी आफिया प्लाजा में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है भाई, बराबर आप एक्शन लेना है ना नवेरा शेख साहिबा, तो आपके दुश्मनों के खिलाफ लो, जिन्होंने FIR अपने। किया या हाँ जिन्होंने, हाँ 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 जिन्होंने आपको फंसाया, उनके साथ आपके दिल में बड़ा नरम गोश है, आप उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती। लेकिन कहीं ना कहीं जिनको मुझे आप कह मुझे रही ऐसा थी, लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि शहबाज भाई मैनेज हो गया। नहीं देखिए मैं मतलब जब तक किसी चीज के लिए कंफर्म नहीं हो जाओ ना भाई करीम, मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन मैं जो जो देख रहा हूँ वो मैं बोल रहा हूँ कि भाई आप उनके खिलाफ नहीं बोलती कभी, आप इन्वेस्टर के खिलाफ ऐसे बोलती हैं जैसे वो दुश्मन है, उसने आपको पैसा देके दुश्मनी किया आपसे। बराबर। जैसे आप उनके बारे में बोलती हैं, कभी तो बोल के दिखाइए शहबाज के खिलाफ कि मैं तुझको नहीं छोड़ती। ठीक है, शाबाश का नाम वो लिख। जो अवेसी, हाँ वो जो अवेसी था, आपने उसको इतनी पब्लिसिटी दिलाई, इतनी पब्लिसिटी दिलाई कि आज इंडिया के कई इलाकों में वो चुन चुन के आ रहे, बराबर। हीरा गोल्ड की वजह से। हाँ भाई, एक आदमी को हेलो हेलो चाचा, आपका इंटरनेट कनेक्शन देखिए जरा। हेलो इतनी हेलो। पब्लिक, हेलो, हाँ चाचा बोलिए, क्या बोल रहे हैं। हीरा गोल्ड की वजह से आपने जिन जिन का नाम लिया कि भाई इन्होंने मुझे फंसाया, वो बराबर। लोग जो थे जीरो से हीरो बन गए। हीरो बन गए। हाँ आज देखिए अवेसी कहाँ से कहाँ पहुंच गया, जिस इलाके में वो 6 सीट हैदराबाद में लाना उसके लिए मुश्किल होता था। ठीक है भाई, 6 सीट हैदराबाद में लाना आज तो जिस दिन सुपरमैन हो गया, इलेक्शन, नेशनल लीडर बन गया। हाँ भाई वो 6 सीट लाने के लिए जिस दिन पोलिंग होती थी उस दिन शहर के सारे फकीर सुबह सुबह उठा लिए जाते थे और सबको बुर्का पिना के वोटिंग कर ली जाती थी। हेलो। देते उनको भी इंटरनेशनल फिगर बना दिया आपने। एक्चुअली ये लोग हैं जिन्होंने तरक्की की हीरा गोल्ड से, वो लोग जो बर्बाद हुए आपके लिए, जो हाँ तबाह हो गए, जो कहीं के नहीं रहे, आप उनसे कहते हैं मैं बदला लूंगी, उनको मैं कोर्ट चाचा में देखती हूँ। चाचा, आवाम के लिए क्या मैसेज है अरे बोलिए। हाँ, आवाम के लिए भाई मैं यही मैसेज देता हूँ कि भाई इनकी बातें भूल भुलैया हैं, इनकी बातें भूल भुलैया हैं। एक्चुअली ना मेरे आज को भी ऐसा लग इनके रहा है ना पास चाचा, कोई ये प्रॉपर स्क्रिप्टर जवाब है, ये नहीं है। स्क्रिप्टर बात कर रही है आपा, जो है स्क्रिप्टर बात कर कोई सिखा रहा है। बेटा हाँ इनकी बातों का कोई सर पैर ही नहीं है। वही 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 बता रहा हूँ, नहीं वही नहीं भाई देखो, 16 कंपनी की मालिक है ये, बता। 16 कंपनी की। ठीक है भाई, और ये कहती है कि साइनिंग अथॉरिटी मेरे पास है, जबकि ये उर्दू में साइन करती है, बराबर। और इंटरनेशनल लेवल पे इन्होंने कारोबार किया। सिर्फ कारोबार नहीं किया भाई, मैचेस ऑर्गेनाइज किए, और पता नहीं कितने जगह पे इन्होंने बताया कि मेरा पैसा लगा हुआ बराबर। बराबर। है। ठीक है भाई, आज भी इनका खानदान अफ्रीका में कारोबार कर रहे हैं, बच्चे दुबई में कर रहे हैं, हर जगह काम चालू है इनका। ठीक है भाई, इनकी तरफ से, अच्छा ये जमीन पे बाहर है ना, मुझे बराबर। बताइए इनके भाई, इनके भांजा, हाँ इनके बेटे कोई आके खड़ा हुआ
कि भाई अब हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी जो मुमानी है वो बाहर आ गई है, हम सब मिलके आपसे वादा करते हैं कि आपका पैसा आपको मिलेगा, इसकी गारंटी है, हम सब गारंटर हैं, एक टीम तो तैयार करो, कोई सामने ही नहीं आया बुलाओ, बुलाओ अपने रिश्तेदारों को, अरे हमसे वफा की गारंटी मांगती हो, अपने खानदान से मांगो ना, बराबर हाँ हमारा पैसा लेके हमको रुसवा करती हो, हमको बोलती हो कि तुमने कंप्लेंट किया, मैं देखती हूँ, अरे अपनी माँ को देख, अपनी बहन को देख, अपने भाइयों को देख, अपने भांजे को देख, अपनी औलाद को देख, जिनको जिनको तूने जना, हमारा पैसा लेके हमारे बच्चों को दरबदर करके, हमारे घरों घरों को बर्बाद करके तू सुखी रह जाएगी? चाचा 100 बात में से एक बात है, कंप्लेनर को अल्लाह छोड़ पैसा देगा देना ही तुझे? पड़ेगा, कंप्लेनर को पैसा देना ही पड़ेगा चाचा, वो आपा नाराज हो या कुछ भी हो, कंप्लेनर को पैसा देना ही पड़ेगा। कंप्लेनर और अप्रोच कर देखो सकता है, हाजी और साहब, क्लेम स्टेटस बाकी है और दूसरा अप्रोच भी कर सकता है। ये सारी चीजों में ना वो जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो हाँ कहीं खो जाता है कि भाई हाँ 6 हफ्तों में आपको बराबर सबको सेटल बराबर करना है, बराबर बराबर कंप्लेंटर और अटेस्टेड लोगों को, हाँ हाँ वो हाँ तो कहीं खो गया ना, हाँ वो खो गया। अब वो मुद्दा अगर वे बोलती हैं कि भाई मेरे पास इंतजाम नहीं है, ठीक है भाई, तो फिर वही प्रॉपर्टी लिक्विडिटी होगी, वो बिकेगी, फिर वो पैसा मिलेगा, फिर पता नहीं कितना वक्त लगेगा। हाँ, बराबर और फिर ये दूसरे दूसरे से कहती हैं कि बोले भाई जो कंप्लेंटर नहीं है, जिन्होंने कंप्लेंट नहीं किया, बोले जैसे ही मेरी दुकान चालू हो जाएगी मैं उनको देना शुरू कर दूंगा। अरे भाई वो लोग फिर से पैदा भी तो होना चाहिए, एक इतनी बड़ी तादाद जो बर्बाद हुई है, तबाह हुई है, क्या तो वैसी उनकी औलादों में इतने और बेवकूफ भी तो पैदा होना चाहिए फिर हीरा गोल्ड में आके पैसा डालने के लिए। बराबर है। अब और इतने बेवकूफ पैदा होंगे तभी तो ये कंपनी चलेगी, फिर तुम कहती हो कयामत तक चलेगी, चांद तक चलेगी, यहां तक चलेगी, वहां तक चलेगी। अरे बाबा तुमको इतना भरोसा क्यों है आलिमा, अपनी जिंदगी पे इतना भरोसा क्यों है तुमको? अरे जिसका लिया उसका दे के खत्म करो, खत्म करो। तुमको इतना इतना तो मालूम है ना कि भाई कर्जा रख के मरोगी तो जनाजे की नमाज नहीं होगी, हाँ कर्जा अदा करोगी तो तुम्हारे गुनाह माफ हो जाएंगे और अल्लाह तुम्हारी माफरत भी करेंगे, तो लोगों का कर्जा जो है, जो अमानतें लेके बैठी हो वो दे दो और लोगों से माजरत कर लोगे, भाई कारोबार था या नहीं था, जो भी था इतने साल में तुमको लेके चली, अब ये तुम्हारा पैसा है, ले लो वापस भाई। आपा ने ये जो लास्ट वीडियो है इसमें एक चीज आपा ने मैंने नोटिस किया था, आपा एक एक से 2 बार दोहरा चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है मुझे कंपनी वापस चालू करने का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी ऑर्डर दिया है कि 42 डेज में पैसा देने का, लेकिन आपा उस पर फोकस नहीं कर रही अरे आपा। भाई आप कहती हैं कि भाई अभी ऑफिसेज की सफाई चल रही है, मेरे मॉल सब चालू हो जाएंगे और सारी दुनिया के हर हिस्से में मेरा माल बिकेगा। अरे भाई आपके ऑफिस, ठीक है भाई, आपका मकान, हर चीज तो ईडी के कब्जे में चली गई है। आपने अभी बताया कि भाई 4 महीने के लिए ईडी ने उस पर स्टे लग गया है। हाँ स्टे लगने का ये मतलब तो नहीं ना कि उन्होंने आपको कब्जा दे दिया। आप किस चीज की सफाई करवा रही हैं? बराबर आप कौन से इंजीनियर से कह रही हैं कि भाई मेरे डाटा को जिंदा करो? तो पुलिस के स्टेप पास बाय तो स्टेप अगर आप, वेरीफाइड वेरीफाइड डेटा है। बराबर हाँ अगर आप स्टेप बाय स्टेप काम कर रही हैं तो फर्स्ट स्टेप पे कंप्लेंटर और अटेस्टेड इन लोगों का पैसा दे दीजिए, इनका सारा डाटा पुलिस के पास है, चाचा, मुझे उससे आप इनकार एक नहीं। चीज क्लियरिटी दीजिए चाचा, आपके जी बताओ। पास पैसा है? देखो भाई गुमान, मेरा गुमान है क्या, और उम्मीद है ईओडब्ल्यू आप के ऑफिसर का नाम लेके नहीं बोलता हूं मैं, क्या एक जमाने में हमारी एक कंप्लेंटर उनके आ गई थी कंप्लेंट करने के लिए, और उसने विनीत डांडा के बारे में कहा कि भाई विनीत डांडा जो है वो भी एक कल्पित है, उसको आप लोग क्यों अरेस्ट नहीं करते? तो लोग हंसने लगे, वो लोग हंसने लगे कि बोले भाई तुमको क्या मालूम है विनीत डांडा के बारे में? तो बोले नहीं उसने आपा को धोखा दिया, उसने ये किया। तो लोगों ने बोले कि भाई हम लोग विनीत डांडा को, वो भी हमारे रिकॉर्ड में है, स्वराज्य कंपनी के लिए कितना बड़ा अमाउंट जो हीरा गोल्ड से ट्रांसफर हुआ, सेलिब्रिटी मैनेजमेंट उनके का था जी, ना? ठीक है भाई, उनके अकाउंट में। तो ऐसी तमाम चीजें भाई, अब वो फिर से मेरे वीडियोस में निकाल निकाल के उसको फिर से रिलीज करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि इतनी सारी मालूमात मैंने दिया था
और वो इतना डाटा जमा करने में मेरा हजारों नहीं लाखों रुपया खर्च हो गया था, इतना सफर किया था मैंने एक एक चीज को हासिल करने के लिए। अब बूढ़े हो गए, बीमार हैं, याददाश्त कमजोर हो गई, याद रहता नहीं, इनके वीडियो का हफ्ते भर इंतजार करते हैं कि पिछले हफ्ते इन्होंने बोला था कि अगले हफ्ते खुशखबरी देती हूँ। क्या खुशखबरी दी आप आपने अपना हमको नवेरा जी बताइए, नवहीरा जी बोलिए ना, क्या खुशखबरी दी आपने? अरे आप अपने आप को आईने में देखिए और फिर एक बार अपने इन्वेस्टर के उन मजलूम लोगों को देखिए जो हद से ज्यादा परेशान है, बीमार है, जिनके घरों में हादसे हो गए, जनाजे हो गए, उनकी शक्लों को देखिए। चाचा मैं एक चीज ये नोटिस किया, पहले था प्रो और एंटी, लेकिन अभी प्रो में दो तीन हिस्से बढ़ गए ऐसा ऐसा लगता है मुझे। देखो बेटा, हर आदमी जो है ना, हर आदमी हीरो वो इतना परेशान है कि वो लड़ना नहीं चाहता है। इन्वेस्टर की बात करता हूँ, उसको उसका पैसा चाहिए, वो सोचता है मैंने सुकून से दिया था, अगर ये सुकून से मेरे को वापस कर दे मेरे को कोई बखेड़े में नहीं पड़ना, बराबर, ना मेरे को चाचा चाहिए, ना सलमान चाहिए, ना कोई और चाहिए। और ये जितने चवन्नी वाले हीरो बन बन के खड़े हुए हैं, आप किसी की हिमायत भी तो नहीं करती, आप किसी के बारे में बोलती हो कि भाई ये मेरा आदमी है और ये जो बोलेगा इसके बाद कॉन्क्रीट है, आपने बोला आज तक किसी के बारे में? लेकिन अपनी पब्लिक भी सुनती है ना चाचा, इन लोग को कोई ऑथेंटिकेशन ही नहीं होता है, कोई कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट ही नहीं होती है, गलत इन्फॉर्मेशन देते पब्लिक। देखो, देखो सर एक बात बोलता हूँ, अगर हमारी कौम में इतनी अकल होती तो अगर ये दीन को जानने वाले होते, मेरे अपने आप को मिला के बोलता हूँ मैं, तो हमारे दीन में औरत को अमीर नहीं बनाते, एक्चुअली औरत को अमीर नहीं बनाते। इस औरत की हमने शक्ल नहीं देखी, अकल नहीं देखी, फैक्ट्री नहीं देखी, इसका कारोबार नहीं देखा और अपना सब कुछ ले जाके लगा दिया और आज हम ये कहते हैं कि भाई हमने अल्लाह रसूल के नाम पे लगाया। अरे भाई तुमने अल्लाह रसूल को अगर याद रखा होता तो एक औरत को अमीर बना के उसके हवाले नहीं करते पैसा। तुमने कमजोर बुनियाद के ऊपर इमारत खड़ी करने की कोशिश की तो आज वो इमारत डगमगा गई, डगमगा गई, लैप्स हो गई। अब वो इमारत वो खुद गिर के अपने आप को तबाह करती है, ये तुम्हारे ऊपर गिर के तुमको तबाह करती है, वो देखो। अगर हमारे अंदर दीन होता भाई तो हम इसके हर फरेब को समझ लेते, एक्चुअली हर साजिश को समझ लेते। अरे भाई आपसे पैसों की बात की जा रही है, आप बाकायदा खुतबा देना शुरू कर देते, एक ही जुमा में दो खुतबे, अभी हम जोर में खुतबा सुन के आए, फिर आपका खुतबा सुनो। चाचा आवाम के लिए आखिरी मैसेज दे दीजिए जी। आवाम का देखो भाई आखिरी मैसेज, पहला मैसेज, हर मैसेज ये है कि जब तक आप जागोगे नहीं, जब तक आप अपनी जबानें निकाल के चाटना बंद नहीं करोगे, तब तक आपके हिस्से में सिर्फ जिल्लत ही आएगी। बराबर, मर्द मुजाहिद बनो भाई, मौत एक बार आएगी, आपको मुझको हर एक को एक बार मर के मौत का मजा चखना है, ठीक है भाई? तो फिर किस वजह से आप किसी की बातों में आके किसी की चमचागिरी करते हो? हक बोलो, सच बोलो, सच बोलने में क्या डर है भाई? ये पैसा क्या नवेरा देगी आपको? लगता है ये देगी? अल्लाह दिलाएगा तो ये देगी, इसकी औकात है देने अल्लाह की मर्जी होना जरूरी है, इसकी औकात है देने की। अल्लाह नहीं चाहे तो इसको फिर ले जाके ऐसी काली काल कोठरी में अल्लाह डाल देगा क्या, कि इसके जिस्म से जो खून और पीप बहेगा ना वो भी कोई देखने वाला नहीं होगा। एक्चुअली इतनी बद्दुआएं इसका पीछा कर रही हैं, इतनी बद्दुआएं, इतने आंसू हैं लोगों के, इतने लोगों की भूख है, इतनी लोगों की प्यास है, इतने लोगों के जो लोग मतलब जिंदगी में किसी के आगे जिन्होंने हाथ नहीं फैलाया होगा उनको जकात लेने पे इसने मजबूर कर दिया, लोगों ने जकात मांगी। चाचा बहुत लोग परेशान है चाचा, लेकिन कोई आवाज नहीं उठा था। क्या क्या बोलेंगे भाई, हमारी कौम का कोई रहबर नहीं भाई, कोई रहनुमा नहीं क्या? और जितने हमारे नेता हैं उनको मुसलमानों की पड़ी नहीं। एक्चुअली कोई खड़ा हुआ बोलो ना, अबू आसिम आजमी साहब अगर चाहते तो इस कौम के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, ठीक है? नवाब मलिक साहब अगर वो चाहते तो इस मामले में पढ़ के बहुत कुछ मदद कर सकते थे। मैं नाम लेके बताता हूँ, जितेंद्र अवार्ड साहब का, जब मैं उनके पास गया इस मसले को लेके तो इसका नाम सुनने के साथ उन्होंने बोला अरे भाई औरत बहुत चालाक है। हाँ
लेकिन हमारी कौम के किसी लीडर ने आज तक इनके बारे में बात नहीं किया। चलिए चाचा, शुक्रिया आपने इन्फॉर्मेशन दिया, आपने टाइम निकाला। हाँ बेटा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने फोन किया, आपने इतनी बातें की मुझसे, मेरे अंदर एक आग लगी हुई थी, इसको लफ्जों के जरिए निकालने का आपने मौका दिया। आज मैं आपके जरिए, आपको माध्यम बना के, अपने तमाम इन्वेस्टर भाइयों बहनों से, मेरी बेटियों से और तमाम लोगों से कहता हूँ, मैं किसी का दुश्मन नहीं, ना आप मेरे दुश्मन हैं। बराबर हमको बराबर सबको पैसा चाहिए, हम सब मासूम हैं, हम सब एक जालसाज के जाल में फंसे हुए हैं भाई, एक्चुअली हमको सिर्फ हमारा पैसा चाहिए। और नवेरा शेख से कहता हूँ कि जालसाजी और धोखेबाजी, इसको अब रोक दो, इसको अब रोक दो, अब लोगों की रकम उनको अदा करना शुरू कर दो और अपना गुस्सा मत दिखाओ, क्योंकि जब इन्वेस्टर अपना गुस्सा दिखाने पे आ जाएगा ना, तो हाँ तुमको जमीन तंग नजर आएगी, जमीन तंग हो जाएगी तुम्हारे भागने के लिए और तुम्हारे वसीले तुमको कम पड़ जाएंगे जिस दिन ये इन्वेस्टर जाग गया। और अनकरीब वो घड़ी आ गई है कि मुस्तैद होके खड़े हो जाएंगे, और फिर वो लोग जो झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, कसमें खाते हैं कुरान की, अपनी औलादों की, कि मेरे को कुछ नहीं मिला, मैंने कुछ नहीं लिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये तमाम लोग जो हैं, ये अल्लाह को तो जवाब दे हैं, उससे पहले अवाम इन्वेस्टर जो मासूम है वो इनकी हड्डियों और फसलियों का हिसाब ले लेंगे हाँ 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 ठीक इंशाल्लाह। सुम्बा इंशाल्लाह, है चाचा, बहुत बहुत शुक्रिया चाचा, जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम सलाम वालेकुम। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।